हेलो फ्रेंड, जय सियाराम। सो इसी के साथ गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले उठते ही मैं दिखा रही थी यहाँ पर मॉर्निंग का सीन एंड दिस बैकग्राउंड वॉइस। वाओ यार, ये रियल वॉइस है जो सुबह सुबह में मॉर्निंग में जो चिड़िया चहचहाती है। ये कोई इफेक्ट या कोई साउंड लगाया हुआ नहीं, ये रियल साउंड है। ओके, सुबह सुबह उस वॉइस के साथ ही हरियाली वाला सीन, वाओ यार, आई लाइक इट। फाइनली मॉर्निंग में उठते ही मैं अपने 10 से 15 मिनट जो भी एक्सरसाइज करती हूँ उसके लिए छत पे आ चुकी थी। सो चलो उसके बाद आपको मिलते हैं। तो मॉर्निंग का सभी रूटीन कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी थी अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाने। तो सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप बीपीएससी यूपीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको गुरु की अहमियत तो पता ही होगी। गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए पीडब्ल्यूबीपीएससी यूपीपीएससी वाला लेकर आया है गुरु पूर्णिमा पर ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है अप टू 83% का डिस्काउंट पीडब्ल्यूबीपीएससी वाला के सारे बैचेज पे। एंड पीडब्ल्यूयूपीपीएससी वाला के सारे बैचेज पे आपको मिल रहा है अप टू 80% का डिस्काउंट, जिसमें शामिल है सक्षम 71st बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, जिसके एक्चुअल प्राइस 9999, बट अब आपको ऑफर में ये पढ़ने वाला है 4499। फिर है प्रथम 71 बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच, जिसके एक्चुअल प्राइस है 9999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 4499। नेक्स्ट है अक्रॉस फास्ट ट्रैक 17th बीपीएससी इंग्लिश बैच, जिसमें आपको एक्चुअल प्राइस पढ़ने वाले 6999, बट ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 1699। नेक्स्ट है ओराजा फास्ट ट्रैक 17th बीपीएससी हिंदी बैच, जो आपकी एक्चुअल प्राइस सेम यही है बट आपको ऑफर में पढ़ने वाला है 1699। नेक्स्ट है यूनिटी 17th बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, जिसके एक्चुअल प्राइस है 7999, लेकिन ये ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 3499 में। नेक्स्ट है यशवी 17th बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी, जिसके एक्चुअल प्राइस सेम है 7999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 3499 में। नेक्स्ट है निर्वाण बिहार स्पेशल बैच बंगाल फॉर 17th बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसके एक्चुअल प्राइस है 3599, ऑफर में आपको सिर्फ पढ़ने वाला है 599 में। नेक्स्ट है करंट अफेयर बैच रफ्तार रैपिड करंट अफेयर प्रोग्राम RCAP, जिसके एक्चुअल प्राइस है 1999, बट ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 899 में। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी वाला के बैचेस पे, जिसमें फर्स्ट है प्रथम 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, जिसके एक्चुअल प्राइस है 9999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 4499 में। सेकंड है सेक्शन 3.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, जिसके एक्चुअल प्राइस सेम है और ये भी आपको ऑफर में पढ़ने वाला है 4499 में। नेक्स्ट है यूपीपीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, जिसके एक्चुअल प्राइस है 7999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 2999 में। नेक्स्ट है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस RO 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन, जिसके एक्चुअल प्राइस है 3999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला 899 में। नेक्स्ट है यूपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 2.0 ऑनलाइन, जिसके एक्चुअल प्राइस 3999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला 999 में। नेक्स्ट है यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसके एक्चुअल प्राइस 4999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला 1499 में। लास्ट है संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीसीएस पीसीएस प्रीलिम्स 2024 एंड RO/ARO प्रीलिम्स 2023, जिसके एक्चुअल प्राइस 6999, ऑफर में आपको पढ़ने वाला है 1699 में। ऑफर सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो ये मौका हाथ से ना जाने दें। अगर इसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे कूपन कोड AY500 का यूज करके पा सकते हैं 500 तक का भी डिस्काउंट। तो जल्दी से इन सभी बैचेज के लिंक कमेंट बॉक्स में और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी कीजिए कहीं ऑफर हाथ से ना निकल जाए। तो फाइनली मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आ चुकी थी नीचे सारा लेने। जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट था वो 3 आवर्स का था, जिसमें मैंने क्या कंप्लीट किया, जो भी अपनी ज्योग्राफी की NCERT है मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी नोट्स क्रिएट करना है। और सच बताऊँ तो मुझे खुद ही अभी कंफ्यूज है, मुझे नोट्स ऑनलाइन क्रिएट करने या ऑफलाइन, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। सो फाइनली यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि टेबल पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। यार रोज साफ करती हूँ फिर भी पता नहीं इतनी सारी धूल आ कहाँ से जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इतनी धूल कहाँ से आती है। रोज साफ करती हूँ
बट ऐसा है, मैंने अभी झाड़ू लगाई थी अपने रूम में तो आ गई होगी। तो यहाँ पे अपने टेबल भी क्लीन कर चुके थे एंड हमने शावर भी ले ली थी, स्किन केयर रूटीन भी कर ली थी। अब लगी थी हमें जोरों की भूख, तो हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का बनाएंगे क्योंकि आज बहुत अच्छा मूड है स्टडी करने का, तो कुछ ज़्यादा ही स्टडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो भी हमें सब्जियाँ डालनी थी अपने पोहे में वो मैंने कट की। कट करने के बाद मैंने अपने पोहे बनाए, तो ये कुछ ऐसे बने थे और ये बहुत टेस्टी बने थे। तो चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद लगाते हैं ना सेकंड स्टडी स्लॉट। तो फाइनली सेकंड स्टडी स्लॉट में हम करने वाले हैं अपनी जो भी एनसीईआरटी थी ज्योग्राफी की, उसी के नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन। तो मैं आपको बोलना चाहती थी कि आप लोगों में से किसी ने नोट्स क्रिएट किए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना, किए हैं तो आपने ऑफलाइन किए या ऑनलाइन किए, या फिर आपने सिर्फ बुक्स में ही अंडरलाइंस किए। क्योंकि अभी मैं पहले सोच रही थी कि मैं नोट्स क्रिएट ना करूं, फिर मेरा मन हुआ कि मैं नोट्स क्रिएट कर ही लेती हूं। अभी मैं सोच रही हूं क्यों ना मेरे पास कोचिंग के नोट्स है तो बेसिक तो मुझे वही लिखना है, तो क्यों ना मैं उसी में वैल्यू ऐड करूं। अभी भी मैं नोट्स क्रिएट करने के लिए बहुत कंफ्यूज हूं, बट कुछ भी हो जो पॉइंट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा ऐड करते हुए चल रही हूं, क्योंकि जो भी वैल्यू ऐड करनी होगी तो मैं नोट्स में कर लूंगी या फिर नोट्स क्रिएट कर लूंगी, थोड़ा सा और रिसर्च करूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे अब क्या करना है। फाइनली मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया और ये था मेरे 3 आवर्स का। सो फाइनली सुबह से मेरी 6 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। कभी कभी ना मेरा दिन इतना प्रोडक्टिव हो जाता है, इतनी ज़्यादा स्टडी हो जाती है, और कभी कभी 2 घंटे की भी नहीं हो पाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे सभी डेज सेम जाते हैं और मैं प्रॉपर पढ़ पाती हूँ, नहीं, जितना भी टाइम पढ़ पाती हूँ बट मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस से पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ। सो फिर यहाँ पे करने आ गई थी मैं अपना लंच। फाइनली लंच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी, मौसी वाली लड़की, एंड जो मेरे लिए लेके आई थी गिफ्ट मेरा बर्थडे का। बर्थडे तो अभी चल चुका है बट वो तब उस टाइम पे नहीं दे पाई थी, और ये थी मेरे लिए भगवद गीता, जो मेरे काफ़ी दिनों से मेरी विश थी कि मैं इसे खरीदूँ। मुझे शायद 1 साल तो हो ही गया इसके लिए कि मैं इसको ले लूँ, खरीद लूँ, बाय कर लूँ, ऑर्डर करूँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली इसने मुझे ये गिफ्ट किया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए मैं बहुत हैप्पी भी हूँ। एंड इस वीडियो के जरिए मैं इसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। सो फाइनली मुझे भगवद गीता बहुत अच्छी और मुझे बहुत पढ़नी भी थी। मैंने काफ़ी ना वीडियोज़ भी सर्च की थी यूट्यूब पर, प्रॉपर ना कोई वीडियो मुझे यूट्यूब पर भी नहीं मिल पा रहा था। तो नेक्स्ट व्लॉग से जब हम भगवद गीता पढ़ा करेंगे तो मैं आप लोगों को हर दिन एक श्लोक बताया करूँगी और इसका हिंदी अनुवाद भी बताया करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। तो चलो अब आफ्टरनून नैप ले लेते हैं, तो तब तक आप लोग कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। सो फाइनली दोपहर में उठने के बाद मैं लेने गई शावर ताकि मेरा फिर से माइंड फ्रेश हो जाए और मेरी इवनिंग की स्टडी अच्छी हो। तो फाइनली यहाँ पे मैं शावर लेके आ चुकी थी, अब करने वाले हैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट जो इवनिंग का स्टडी स्लॉट होने वाला है। तो चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं और मेरा भाई लगाने वाले हैं ताबड़तोड़ स्टडी सेशन, तो जरूर देखना। एंड यहाँ पे मैं अपना जो भी मॉर्निंग में मैंने पढ़ा था अपना हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी, तो उसका रिवीजन कर रही हूँ। मॉर्निंग में तो ना मेरा जो भी मेंस का होता है, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल जो भी मैंने उठा रखा है, वो सेशन चलता है, लेकिन इवनिंग में मेरा हिंदी साहित्य है जो मेरा ऑप्शनल है उसका चलता है। तो उसके लिए ना सबसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि अब मैंने सुबह ज्योग्राफी पढ़ा तो अभी शाम को ना मैं मेरे हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी के PYQ ये सोल्व करूँगी, क्योंकि एक साथ तो इतने सारे PYQ हो नहीं सकते। तो जैसे कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ पहले उसी को लेके उसके PYQ शाम को सोल्व करती हूँ, उसको लिखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जिट वहाँ से थ्योरी आ जाती है हर बार मेंस में, तो बट देखो भाई हमारे हाथ बात है मेहनत करना। अब देखते हैं आगे किस्मत में क्या होगा, क्यों ना हम एक बार मेहनत तो कर ही सकते हैं। देखो मैंने तो ये सोच रखा है 2 अटैम्प्ट UPSC के सीरियस होकर दूंगी, फिर देखते हैं बाद में सोचते हैं। तो जो भी अपना फर्स्ट या सेकंड जो भी अटैम्प्ट दो अपना सीरियस होकर दो, बाद में देख लेंगे क्या होगा। सो फाइनली आज का स्टडी स्लॉट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट और लाइक, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।